बनारस के शानदार लोगों को प्रणाम करता हूँ। अखिलेश द्विवेदी काव्य पाठ करके वीर गति को प्राप्त हुए। ये दुबला पतला शरीर चलता कितनी देर, बनारस पे ही है तो कल सुबह इनका, हाँ भी खींचो। हंसने की बात नहीं है, फोटोग्राफर भी वही बनता है जिसको बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत होती है, बाद में वो पेशा हो जाता है। आप ये फोटोग्राफर भटकती आत्मा है, खुलना मस्ती करना। मैं टेंशन का कवि नहीं, अटेंशन का कवि हूं। ये जितने भी फोटोग्राफर होते हैं भटकती आत्मा है। किसी भी शादी समारोह में चले जाइए, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं ये दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। एक शादी में मैं चला गया, फोटोग्राफर लगा हुआ था, दुल्हन का चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी, कहीं गाल, कहीं बाल। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा है? वो बोला भाई साहब आप बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा अगर आज की रात तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट। तो ये सब वही है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। मस्त रहना। तालियां वालियां बजाने के लिए कह रहे थे, तालियां वालियां बजाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। मस्ती में रहिएगा, माल कोई अच्छा आ जाए तो बजा दीजिएगा, मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है साहब, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। जाम लग गया, हम लोग भी पैदल उतर गए, पैदल उतर करके आ रहे थे, दोनों तरफ भीड़। भगवान की कसम ऐसा लग रहा था आज हम भी मोदी हैं और हमारे साथ ये शोभा यात्रा चल रही है। भगवान कसम, जाम का यहाँ अपना अलग आनंद है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बीच में तो तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे। एक बार मैं काशी में वो दृश्य देखना चाहता हूं। बनारस में पूरे 8 साल बाद आया हूं। एक बार दोनों हाथ उठा करके ऊपर से नीचे तक, ये वो बनारस जो मोदी को प्रधानमंत्री बना देता है हर बार। एक बार तालियों का शोर कर करके मुझे आदेशित करें, मैं शुरू होना चाहता हूं साहब। क्या बात है, क्या बात है। अब लगा कि बनारस में कविता पढ़ी जा रही है और कोई तो ऐसी चीज है जो मोदी चाहे कहीं पर भी हो ये बनारस खींच करके ले आता है। और एक बार अगर 272 देता है, 280 देता है तो दूसरी बार 300 पार पहुंचा देता है। ये वो बनारस है। मैं सैल्यूट करता हूं आपके बनारस को, इस 80 घाट को साहब। हम लोग क्या करें, हम कोई कविता विता सुनाने के लिए नहीं आए, हम लोग तो अपना दुखड़ा दर्द सुनाने आते हैं साहब। घर पे सम्मान मिलता नहीं, कोई इज्जत करता नहीं, इसीलिए इधर उधर भटकते फिरते हैं। घर पे सम्मान मिल जाता तो यहाँ काहे के लिए आते। मेरा बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, पिछले बार फेल हो गया था, इस बार फिर फेल होके आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक फिर फेल हो गया, आसपास के वातावरण को देख कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर, मिश्रा जी की लड़की को देख 97% नंबर। मेरे बच्चे ने पढ़ के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखूं मैं उनको, आपकी तालियां ठाका गलत जगह पे आ गया। मेरा असली टेंशन ये है ही नहीं है, मेरा असली टेंशन है मेरा दूसरे नंबर का बेटा, क्लास 4 में पढ़ता है, 4th में, 8 साल की मासूम उम्र। कभी स्कूल से लौट के मैंने उसको प्रसन्न न देखा, जब देखो तब निराश, उदास, हताश। एक दिन स्कूल से लौटा बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, डीजे बजा के नाच रहा। अरे मैंने कहा हुआ क्या, आज पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न। वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी हॉट, इतनी ब्यूटीफुल। पापा ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा है, ऐसा लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाके। बोला इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हॉट पापा की लगता है पढ़ाती रहे, पढ़ाती रहे, पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है जैसे 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है क्या, यही सीखा है? जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया पापा आप हरदम अपने जुगाड़ में रहते हो। क्या करें साहब, असली टेंशन ये है, असली टेंशन ये है कि बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। तनाव का विषय ये है साहब। लेकिन आपके बीच में आ जाते हैं, सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। ये बाबाओं की बात कर रहे थे, बाबा बनाता कौन है, बाबा हम ही लोग बना देते हैं।
एक चला गया, बोले बाबा बाबा रामदेव के दरबार में पहुंच गया, पैर पकड़ ले, बोले बाबा बहुत सर में दर्द होता है, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले बेटा शीर्षासन किया करो, फायदा होगा, और फायदा हो तो कल आके बताना। दूसरे दिन पहुंच गया, बोले बाबा शीर्षासन किया, बड़ा फायदा हुआ। बोले बेटा सर का दर्द ठीक हो गया? बोले ना बाबा, सर का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, एक तेल की शीशी 2 महीने से नहीं मिल रही थी, शीर्षासन किया तो नीचे दिखी अलमारी के नीचे। और मजे लेना साहब, एक मद्रासी पहुंच गया, बोले बाबा मेरे भी सर में दर्द होता, चेन्नई का आदमी, काला अन्ना, बोले मेरे भी सर में दर्द रहता है, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले बेटा शीर्षासन किया करो। दूसरे दिन पहुंच गया, पट्टी वट्टी बंधी, खूनम खून। बाबा बोले क्या हुआ? अरे बोले बाबा आपके शीर्षासन के चक्कर में तो मैं कुट गया। बोले क्या किया? बोले शीर्षासन। बोले कहां किया? बोले पार्क में। बोले पहना क्या था? वो बोला लुंगी। अरे बोले जब लुंगी पहनोगे तो कुटबे करोगे, क्या करम। तो ये बाबाओं का चक्कर है साहब, बाबा कोई नहीं बनाता, बाबा हम ही बना देते हैं साहब। अभी कुंभ का मेला लगा इलाहाबाद में, मेरी पत्नी जिद पे आ गई, बोले कुंभ के मेले ले चलो, कुंभ के मेले ले चलो। अरे मैंने कहा करेगी क्या? वो बोली नागा बाबा के दर्शन। अब पत्नी जब जिद पे आ जाए तो कौन ना माने। मैं लेके आया उसको, घाट में डुबकी लगा के निकले तो देखा एक नागा बाबा खड़े हैं साक्षात। मैंने पत्नी ने पैर पकड़ लिए, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति बड़ा आदमी बन जाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, 80 घाट पे जा रहा है, वही सबसे ज्यादा सुना जाए। 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा, बाद में भड़क गया, बोले देखो देवी जी मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के ले गया मेरे, मैं खुद आधे घंटे से परेशान घूम रहा हूं और तू मेरे को नागा बाबा बनाने पे तुली हुई है। तो ये बाबा हम ही लोग बना देते हैं साहब, और कोई नहीं। बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, कहीं कोई योग करने की जरूरत नहीं, किसी योगाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, इससे बड़ा ना तो कोई योग है ना कोई योगाश्रम है साहब। आपसे तालियां बजाने के लिए सारे कवि इसलिए नहीं कहते कि कविता बजाने से कोई ताली छोटी बड़ी हो जाती है। खुले बनारस मेरे साथ 8 साल के बाद आपके दर्शन कर पा रहा हूं। तालियां बजाने के लिए इसलिए नहीं कहते कोई कविता छोटी बड़ी हो रही है, हम तालियां बजाने के लिए सिर्फ इसलिए कहते हैं आपसे क्योंकि वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है। वरना तो सारी चीजें सांप्रदायिकता में बढ़ गई, रंग बढ़ गए साहब, हरा तुम्हारा केसरिया हमारा, जानवर बढ़ गए, गाय तुम्हारी बकरी हमारी। ऐसे में ताली एक ऐसी चीज बची है जो चाहे हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज कम से कम एक जैसी आती है। वाह, ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे बनारस के अच्छे लोगों, ताली तो इस बात पे उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है भाई साहब। इसलिए भी तालियां वालियां बजाने के लिए कहते रहते हैं साहब। ये अवधि बोलने वालों का क्षेत्र है, यहाँ अवधि बोली जाती है बड़े प्यार से। मैं जहां से आया हूँ बघेली बोली जाती है बड़े प्यार से। 2 पंक्तियां देता हूं, फेसबुक में दी, बड़ी वायरल हुई। क्या हुआ साहब? सपा बसपा गठबंधन हुआ, लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि शायद ये गठबंधन काम करेगा, चिंता का विषय था। लेकिन हुआ क्या? एक सीट में डिंपल, ऐसे ही बोली जाती है अब, ठीक है, एक सीट में डिंपल, दूजी मां धर्मेंद्र पे ध्यान रहा हाथी वाली मां और साइकिल घुस गए नाली मां। क्या हुआ साहब? अखिलेश भैया रपट गए और सब गठबंधन निपट गए। साहब मैं सैल्यूट करना चाहता हूं भारत की जनता को जिन्होंने सारे जातिवाद धर्मवाद सबसे ऊपर उठ करके उस आदमी को वोट दिया जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने की हिम्मत दिखलाई। एक बार सारी तालियां उसके नाम पर बज जाएं, उसके दिल्ली जाने के नाम पर बज जाएं। पाकिस्तान वालों को मुंह धोने को क्या, काफी चीजें धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा इस समय, ये इतनी इतनी हालत खराब है भाई साहब। ये सरदार प्रताप फौजदार कम से कम हमारे बीच में हैं, ये देशभक्ति की बातें करते हैं, और एक सरदार ऐसा है जो सिद्धू है, जो बाजवा को गले लगाता है और उसको कहता है 2 पंक्तियां गीत की एक बद्दुआ लिखी, वो
आपको देता हूं। तालियां उठें, फिर एक कविता देकर के वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। सिद्धू को बड़े प्यार से दो लाइनें लिखी, गा मैं भी लेता हूं। अनिल चौबे सुनना, अनिल चौबे बहुत अच्छा बहुत प्यारा संचालन करते हैं। एक दो पंक्तियां गीत की, उसके बाद एक कविता, जिसके कारण अशोक सुंदरानी को यहां तक की यात्रा करनी पड़ी। सिद्धू को बड़े प्यार से, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे और सिद्धू बजाय उनकी शव यात्रा में शामिल होने के पाकिस्तान निकल लिए, तब बड़े प्यार से ये पंक्तियां बनारस की शानदार जानदार जनता को, कि भारत की दुआएं लेता जा, भारत की दुआएं लेता जा, जा तुझे सुखी इंसान मिले, यह पुण्य धरा ना मिले तुझे, तू मरे तो पाकिस्तान मिले। एक बार तालियां उठाए, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं आपको। हम लोग तो साहब क्या हैं, हास्य का कवि, हास्य को उल्टे सीधे सवाल मिले, उल्टे सीधे जवाब देने पड़े, हास्य का कवि तैयार हो गया साहब। हम ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, ज्यादा पढ़ लिख इसलिए नहीं पाए क्योंकि बड़ों ने हमको कंफ्यूज किया। जब हम 6 साल के हुए, पिताजी ले गए स्कूल में नाम लिखवाने के लिए, मास्टर जी ने हमारा नाम लिखा, सर पे प्यार से हाथ फेरा, पिताजी से पूछा किसका बच्चा है, तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे, बताओ यार हैं? हमने कहा हम अपनी अम्मा से बताएंगे कि हमारे पिताजी थे, हम मास्टरी कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, आप ही का है, आप ही के हैं। अब हम समझ गए कि ऐसा कहना पड़ता है। तो जब मास्टर जी ने नाम लिख लिया था, चलने लगे तो पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी हैं, मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जाओ ये खतरनाक लड़का, हम लोग क्या करें साहब, उल्टे सीधे सवाल पूछे गए, पत्नियां हम लोगों को कुछ नहीं समझती। एक आदमी ने पूछ लिया साहब आप हास्य के कवि, ये बताओ कि कोई महिला शादीशुदा है, पता कैसे चलता है कि इसकी शादी हो गई। अरे मैंने कहा जिसकी मांग में सिंदूर भरा हो और मंगलसूत्र यहां तक लटका हो, अलग समझ में आ जाता है शादीशुदा है। बोले फिर पुरुष का कैसे पता लगता है कि ये शादीशुदा है, मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो, अलग समझ में आ जाता है कि इसकी फाइल निपट गई। मैं सच बता रहा हूं, मेरी जब पहली बार शादी हुई, पहली बार आपके यहां 2-3 बार होती है क्या, पहली बार शादी हुई तो शादी को किसी दोस्त ने दुश्मनी निभाई, दोठो सिनेमा की टिकट भेज दी, उस दिन धार्मिक फिल्म आई हुई थी कुछ कुछ होता है, पत्नी जिद पे लेके चल रहा, मैंने कहा कुछ नहीं फिल्म में, लेकिन जब जिद की तो ले जाना पड़ा कुछ कुछ होता है, इंटरवल तक कुछ भी नहीं हुआ। इंटरवल के बाद पत्नी ने कोहनी मारी, बोली देखो जी शाहरुख काजोल को कितना बढ़िया प्यार कर रहा है, तुम मुझको ऐसा क्यों नहीं करते। अरे मैंने कहा फिल्म में जान दे। 10 मिनट बाद फिर कोहनी मारी, बोले अभी भी कर रहा है, तुम मुझको ऐसा क्यों नहीं करते। जब तीसरी बार मारी तो मुझको आ गया गुस्सा, मैंने कहा सुन भगवान, शाहरुख को काजोल से प्यार करने का 1 करोड़ मिलता है, तू अपने बाप से 10,000 दिलवा, इससे अच्छा प्यार करके नहीं दिखाऊं तो कहना। आपकी तालियां गलत जगह पे आ गईं, असली बात अब आ रही है। और मैंने कहा सुन भगवान, शाहरुख जिससे प्यार कर रहा वो उसकी पत्नी नहीं है, ये सुविधा अगर मुझे मिल जाए तो मैं तुलसियान जी से लोन ले सकता हूँ 10,000, लेकिन इससे अच्छा प्यार करके दिखा सकता हूँ। हाँ क्या होता है साहब, हम लोग क्या करें साहब, ये जितने पति नामक जीव बैठे इनको समझाई ऐसा जाता है, इनको समझाई ऐसा जाता है। मेरी जब शादी के बाद पहली बार हनीमून लेके जा रहा था उसको जयपुर, पत्नी को अपने, तो उसने कपड़े निकालना चालू किया, गुलाबी साड़ी, गुलाबी सलवार सूट, गुलाबी दुपट्टा, सैंडल तक गुलाबी। मैंने कहा ये क्या है। अरे बोले तुम पुरुषों में रत्ती भर बुद्धि होती नहीं, अक्कल होती नहीं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है लेडीज का, जेंट्स क्या जाने। जयपुर जा रहे हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी, तो सब कुछ गुलाबी, साड़ी सूट सैंडल रुमाल पर्स सब गुलाबी। लाल किला दिखाने गया तो सब कुछ लाल, पीली बंगा लेके गया सब कुछ पीला, मारे डर के मैंने नागालैंड का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ मैंने कहा क्या पता क्या दिक्कत आ जाए भाई साहब, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव का नारा हो जाए, एक बार तालियां हो जाए। बनारस जूता बता रहे हैं, जूता। हाँ मैं वो कविता सुना देता हूँ जिसके लिए इशारा किया है। एक कीमती 6 मिनट दीजिएगा मेरे बनारस के अच्छे लोगों। इतनी बड़ी भीड़, बंबई में 100 कार्यक्रम होते होंगे, 100 कार्यक्रम मिला करके जितनी भीड़ होती होगी उतनी एक कार्यक्रम में बनारस के सस्ती घाट में हो जाती है साहब।
यही वो बनारस है। आइए एक कविता सुना देता हूं जिसके अशोक सुंदरानी को अशोक सुंदरानी बनाया। कविता क्या है, एक कीमती 6 मिनट दीजिएगा, उसके बाद मैं भी वीरगति को प्राप्त कर जाऊंगा। यहां तमाम मीडिया के लोग बैठे, मीडिया की उपज है ये कविता। मीडिया आजकल का इतना तेज कि आजकल घटना घटी और अखबार में छपी, इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती हैं कि अखबार में छपे तो हम घटे। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजा आ गया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से बोला, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर ताव में आए, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो इसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने जाके चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके कुर्सी पे बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही शेर ने पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे। तो मीडिया की उपज है साहब। तो जब अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। अंतरराष्ट्रीय घटना थी साहब। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर तो कभी उस भ्रष्ट नेता पर। अभी 10 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार नेता जूता जूता नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम ही तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दे दी जूते को, मैंने कहा भाई मेरी भी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ। लेकिन जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम बनारस जा रहे हो, वो जगह जो प्रधानमंत्री बनाती है हर बार। अगर मेरा दर्द तरीके सलीके से रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे बनारस के अच्छे लोगों, 11 वर्ष की काव्य साधना आपके चरणों में रखता हूं। बोले अगर मेरा दर्द तरीके सलीके से रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा बनारस के लोगों के बीच में। जूते का दर्द रखता हूं, एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है। जूते का दर्द, अशोक सुंदरानी की जुबानी। मन का भी ध्यान चाहता हूं कि हम कभी, अभी तक मैंने आपसे एक बार भी तालियों के लिए नहीं कहा। कोई भी बात कलेजे में ठक से लग जाए तो बनारस यूं भी तालियों की बरसात कर देती है कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? भाई ये है बनारस, सैल्यूट करता हूं और सौगंध खाता हूं उस परम पिता की। कई जगह पड़ी होगी लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ आपने दिया है, इस काशी की धरती ने दिया है। अगर ये शुरुआत है तो आगे चल करके तो मेरी झोली में आप तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे। सैल्यूट करता हूं आप सबको कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया?
क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। तालियां गलत जगह पर आ गई, तालियां तो आगे से पीछे तक अगली पंक्ति पे मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बाबा बाबा, और अब इतिहास संभालें, धन्य कर दिया आपने, इतिहास संभालें कि हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने, हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम, हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने, हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने, और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और फैलाता हूं झोली, मांगता हूं वो तालियों का परमाणु विस्फोट, दो प्राण पंक्तियां देता हूं और आपकी तालियां बजाने की क्षमता ऊर्जा वधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं। यहां नहीं पढ़ी जाएंगी तो कहां पढ़ी जाएंगी ये पंक्तियां, कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन तैयार रहे, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया, और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। जिंदाबाद भाई, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम ही थे जब उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया, और काशी की जनता 1.5 मिनट में संभाले जूते का दर्द। सैल्यूट करता हूं आप सबको कि आजादी के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, आप लोगों का प्यार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया, फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी। अब काशी के लोगों, आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज काशी की इस पावन धरती पर प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। वाह वाह वाह। और अगली चार पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, हंसी, चारों चीज एक साथ आ जाए तो विदाई दीजिएगा। जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही तालियों और ठहाकों का महोत्सव हो जाए, कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में, हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, भाई क्या सुनते हैं आप लोग, अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के मंदिरों में जाते हैं, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आप सब समझदार लोग हैं, बनारस के लोग। आखिरी पंक्ति देता हूं, वो माँ सरस्वती जब आशीर्वाद देती तो कहती, कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग
तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। विदाई की पंक्तियां दीजिएगा, आपकी तालियों का शोर उठे, हिमालय उठे, कि हम ही थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। ऊर्जा चाहता हूं आपकी, मेरे लिए नहीं, मेरी कविता के लिए नहीं, वरन उसके लिए जिसका जिक्र है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भाई कमाल है, जब हम पड़े 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 हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में। और आखिरी दो पंक्तियां बड़े टूटे मन से लिखी, नहीं लिखना चाहता लेकिन जब सामने देखता है तो लिखता है। जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमामय सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समझ जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब, ये जहां हैं भले हैं, चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।